संस्कार से सागर अली बार बार पूछ रहा था कि भाई ये फेंकता क्या है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज आ गई है एक और नया पॉडकास्ट, एक और नया इंटरव्यू, और वो भी बहुत स्मार्ट लड़के के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे अच्छा उत्तराखंड का राइट आर्म बॉलर इस समय हमारे साथ मौजूद है, अभिषेक उनियाल। तो उनियाल जी कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो आपने हमें बुलाया, थैंक यू नितिन भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है भाई, तुम लोग उत्तराखंड के देहरादून के इस समय स्टार हो और वजह से ये ओह माय गॉड, वाओ। ये तो भाई थैंक यू मुझे भी। और भाई चश्मा क्यों लगा रखा पहले तो तुम ही बताओ। नो भाई जी, ना पहन के रखो भाई। और सबसे मेन चीज ये, जितने भी टेनिस क्रिकेट में प्लेयर आए होंगे ना, उनमें सबसे स्मार्ट आदमी यही है। भाई और इनके जो मेकअप मुकअप करते ना, उसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो गोलू भाई पे ना। हाँ, गोलू पाजी पे है। लोग कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियो में कि यार गोलू पाजी ने उनियाल भाई का नाम नहीं लिया, कुछ हमारी ऐसी बात ही नहीं हुई जिस वजह से हम बोलते कि उनियाल भाई का नाम। तो उनियाल भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताओ अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा का क्या नाम है, कितने लोग हैं? भाई मेरी फैमिली में 6 मेंबर है मुझे मिला के। मेरी 3 सिस्टर है मुझसे छोटी, पापा है और मम्मी है। पापा का नाम है मुकुंद राम उनियाल, मम्मी का नाम है दीपा उनियाल। आप गढ़वाल से बिलोंग करते हो? गढ़वाल में कहाँ से बिलोंग करते हो? श्रीनगर साइड से। अच्छा, तभी तुम्हें उस साइड बहुत बुलाते रहते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो उनियाल भाई कितना टाइम हो गया है अच्छी क्रिकेट खेल के, मतलब जब से खेल रहे हो छोटे हो अभी, एज कितनी है वैसे? 22 के हो, बहुत छोटे हमसे। तो भाई मतलब कितना टाइम हो गया एक अच्छी क्रिकेट खेलते कि मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मैं इस टाइम से, इतने टाइम से ये अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ? अभी लग रहा है कोलकाता के बाद। पहले तो मतलब ये था कि खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, कुछ ये नहीं था कि कहाँ बॉल फेंकना है, क्या करना है, मतलब इतनी समझ नहीं थी उस टाइम। और जो था वो, उसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे कि आपकी बॉलिंग के पीछे आपको मतलब स्किल इम्प्रूव कराने में किसको क्रेडिट देना चाहोगे इस चीज का? खैर अच्छा खेलना तो गोलू भाई के साथ सीखा है। हाँ? तो उन्होंने मतलब अच्छे मैचेस खेलने स्टार्ट करवाए हैं, तो बस अब धीरे धीरे करके आ गया था समझ कि बॉल कैसे चेंज करना है, क्या करना है। और मतलब बहुत सारे बॉलर है देहरादून में जो मेंडिस डालते हैं, कैरम बॉल डालते हैं, लेग स्पिन करते हैं, बैक ऑफ द हैंड डालते हैं। आपकी जो कैरम बॉल डालने की कला है, मतलब वो इस समय वो किसी पे नहीं है देहरादून, उत्तराखंड में किसी पे नहीं है। बहुत लोग कम कैरम बॉल डालते हैं, या तो दिल्ली वाले मैक्सिमम डालते हैं, क्योंकि या तो वो ग्रीन बॉल से खेलते हैं या देहरादून वाले खेलते हैं, बाकी जगह रेड बॉल चलती है मैक्सिमम। तो कहाँ से सीखी वो बॉल? एक दिन मतलब ऐसे खेल रहे थे हम, तो एक लड़का आ रखा था खेलने यहीं का, करनपुर का। अब उसने वो बॉल कराई, तो पहले तो मैंने कहा यार ये करा क्या इनने, अब वही मेरे मन में बैठ गया कि सीखनी है ये बॉल। बस तो फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, अब धीरे धीरे करके फेंकता रहा तो आ ही गई। और मतलब ये होता है कि फेंकने वाले बहुत होते हैं, और एक कंट्रोल से फेंकना और उसको स्पीड में फेंकना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। पकड़ते कैसे आप उंगलियों में, जरा इस चीज को बताओ। मैं इससे पकड़ता हूँ भाई, मिडल फिंगर से, तो यूं करके ग्रिप बनानी पड़ती है, काफी प्रैक्टिस चाहिए भाई। मतलब ये तो जलीबी बॉल से ज्यादा इजी होता है या बिना जलीबी बॉल? जलीबी बॉल से ज्यादा, क्योंकि उसमें रुए होते हैं तो ग्रिप नहीं बन पाती, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी। बिल्कुल, क्योंकि कोलकाता अगर आपको खेलना है तो भाई वहाँ तो बिना जली बॉल ही मिलती है। बहुत प्रैक्टिस चाहिए भाई, बहुत प्रैक्टिस लगती है, वरना बहुत टूटती है भाई। वो सबको पता है बॉलरों का क्या हाल होता है, वो भी कलकत्ता जैसे ग्राउंड पे। तो उनियाल भाई और बताओ लाइफ में गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड? अरे अभी तो भाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। प्यार हुआ था कभी? प्यार हुआ था। हाँ। वो था ही रह गया। अच्छा, वो था ही रह गया, मतलब आप भी हमारी तरह सिंगल हो। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। वो कहना एलवी यादव का कि चोरी के पीछे मत भागो, पैसा कमाओ और मौज काटो। बिल्कुल भाई, तो भाई वही चीज है, सिस्टम है। अगला क्वेश्चन उनियाल भाई आपसे कि ऐसा कोई बल्लेबाज जिसको बॉल डालने में डर लगता है कि यार ये मारेगा भाई, अगर इसके आउट नहीं किया तो ये मुझे मारेगा? भाई एक ही था, मतलब मेरे को मन था बॉल कराने का। मैं अगर कोई अच्छा बैट्समैन होता मैं सोचता हूँ कि करानी है इसको, बॉल करानी है। वो थे भाई रोहित चंडीगढ़ भाई। हाँ बस मतलब उन्हें यार मन था कि यार बंदा बहुत भाई अच्छा वो उसका है। उसका जो एटीट्यूड है ना, मतलब क्रिकेट को लेके वो बहुत अलग है। वो जब खेलता है ना तो वो सामने वाले गेंदबाज को गेंदबाज नहीं समझता, वो जाता है या तो इसकी या मेरी, मतलब रोकने रागने का कोई हिसाब नहीं है। ये पंजाब वालों का हिसाब है भाई, किसी को मेरे को लगता है वहाँ किसी को बल्ला बुल्ला रोकना आता है, सब चीर फाड़ वाले हैं, तो या तो मारेंगे या आउट हो जाएंगे भाई, ऐसा सीन है। तो अभी जब लास्ट टाइम देहरादून आए थे वो, तो उस समय मैच हुए थे आप लोगों के, तो आपने उनके आगे अच्छी गेंदबाजी करी। तो वो एक ऐसे होते हैं कि हाँ इसको बॉल करनी है आपको। और कलकत्ता गए, वहाँ पे आपने
मतलब बहुत छोटे ग्राउंड होते हैं, 25-25, 30-30 मीटर के ग्राउंड होते हैं, पावर प्ले जितना एरिया। तो वहां पे आपने जगत सरकार को बहुत बार आउट किया, जो इस समय इंडिया का सबसे तगड़ा बल्लेबाज है, चाहे लेफ्टी कह लो चाहे राइटी, उसके आगे कोई नहीं है भाई इस टाइम। बहुत अपर लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है और बहुत सेंसिबल क्रिकेट। तो भाई उसको क्या लोगे कि जब जगत सरकार सामने था तो क्या चल रहा था माइंड में? माइंड में क्या चलना था, बस ये था कि मतलब लेफ्टी को अच्छा बॉल करता हूँ ये पता था मुझे। तो मुझे पता था अच्छा बॉल करूंगा तो बच जाऊंगा, वरना बहुत मारेगा क्योंकि मारता ही है भाई। मगर अगर वो आता था सामने तो मेरे को डर नहीं लगता था, क्योंकि अच्छे बैट्समैन को डालने का मन था और हमेशा रहता है ये एक्साइटमेंट रहती है कि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, आउट कर दूंगा मैं। आप किसी बड़े खिलाड़ी के आगे परफॉर्म करोगे ना तो वो एक अलग ही खुशी मिलती है जो आपने को शायद कभी ना मिली हो। और दूसरी चीज की एक बातचीत चल रही थी अभी जब आप लोग कलकत्ता से आए थे, सुनने में आ रहा था कि संस्कार से सागर अली बार बार पूछ रहा था कि भाई ये फेंकता क्या है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आपने अंदर ही अंदर संस्कार को ये बताया कि भाई बताना मत वरना बहुत टूटेगी यहाँ पे। वो भी तो, अच्छा तो क्या था ये, मतलब क्या चल रहा था वहाँ के लोगों के दिमाग में कि भाई ये नया बॉलर है, नया लड़का है और सबकी विकेट खा जा रहे हैं? अरे उसे पता नहीं था मैं फेंकता क्या हूँ, तो मतलब उसका बड़ा भाई हमारी टीम से ही खेलता था। अच्छा। वो घर में बता देता था कि ऐसी बात हुई है, तो मैंने संस्कार भाई को बोला था भाई बताना मत, तुम्हें जो पता है तो तुम दूसरों को मत बताना। हाँ, क्या फेंकते हो क्या नहीं। सही है, थोड़ा मतलब होता है कि सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, भाई अपने बंदों को कहीं एंकर तुम बता रहे कि ये फेंकता है, ये फेंकता है, टूट रही, तो भाई वो एक अच्छी चीज है। और उनियाल भाई मतलब अभी आपने मतलब उत्तराखंड में तो खैर ये चीज बहुत कम है कि आपको पर मैच वगैरह बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एंट्री मैचेस चलते हैं। आप खेलोगे, आप जीतोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इस बार आपका जो सीजन रहा फर्स्ट सीजन, जो कि बहुत अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं किसी भी खिलाड़ी को, चाहे कितना ही बड़ा परफॉर्मर हो, आप कितना पैसा लेके आए 3 महीने के सीजन में? 220 के आसपास। भाई एक बहुत अच्छी अमाउंट है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई पहले साल खेलने जाता ना तो वो 3 महीने में लाख रुपए भी नहीं लेके आता, क्योंकि या तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, और परफॉर्म करोगे भी तो भी आपके पर मैच 1,000, 1,200, 800 रुपए भी होते हैं वहाँ किसी किसी के, तो बहुत मुश्किल होता है 2-2.5 लाख रुपए एक अमाउंट लेके आने। तो एक बहुत अच्छी अमाउंट है। क्या किया आपने उन पैसों का, क्या यूज किया? बस कर लिया है, मतलब थोड़ा घर में दिया है भाई, अपने ऊपर करा है। बिल्कुल अपने ऊपर करो, घर में करो, वो एक अच्छी चीज है। अगर आप अपने इतनी मेहनत के पैसों को अगर आप कहीं मतलब क्रिकेट की मतलब सट्टेबाजी में अगर आप वेस्ट करेंगे या किसी गलत चीजों में, तो वो एक गलत मतलब कह सकते हो कि आप लोग सोर्स ऑफ इनकम इस समय क्रिकेट है आप लोगों की। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने इसके कमाए हुए पैसों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं खेल पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खेल पाओगे। और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी टीम के कप्तान थे बद्री केदार के पोपे भाई, मतलब उनसे क्या क्या चीजें सीखी, क्योंकि वो उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी थे जो कोलकाता गए थे, और उन्हें दुबई जाने का भी मौका मिला था पहली बार जब वहाँ 10PL होता था, बट उनका वीजा पासपोर्ट वगैरह नहीं बना हुआ था तो वो नहीं जा पाए थे। उनसे क्या चीजें सीखने को मिली, क्योंकि वहां पे जब आप गए थे तो आप ही की टीम में थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि राहुल भैया हमारी टीम में थे, और मेन बात यह थी कि मेरे को दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं थी। हाँ। क्योंकि वो मेरे को जानते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या एबिलिटी है, क्या है, क्या है। तो ये चीज वो ग्राउंड में करते थे, मेरे को सपोर्ट करते थे। मैंने रन खा लिया तो मैं चले गया, क्या बॉल फेंक रहा है, तेरे को जो बोला वो फेंक, मतलब जो वो बोलते थे वो होता भी था। वो बिल्कुल सही, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पोपे भाई का दिमाग एमएस धोनी जैसे चलता था कि भाई जैसे बोल दिया कुलदीप यादव को कि आंख बंद करके रोकेगा या इसको यहाँ फेंक ये करेगा, तो वो चीजें होती थी और उसका बेनिफिट भी मिलता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है भाई पोपे भाई की, अपने बंदों को बैक करते थे ग्राउंड में, क्योंकि भाई कलकत्ता में रन खाना कोई बड़ी बात नहीं है, कलकत्ता में लगातार रन खाना और लगातार रन बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने छोटे ग्राउंड पे भाई कितना बड़ा बॉलर, इंडिया के बॉलर खड़े कर दोगे ना आप, उनके भी रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो बाहर जाके किसी से दोस्ती हो कोई बहुत खास बड़ा खिलाड़ी जिसके साथ अच्छे लिंक बने हो? हमारी टीम में एक बॉलर था आकाश भैया, आकाश भाई देवतिया, तो भाई नेक्स्ट लेवल का बंदा है, मतलब क्या ही बोले उनके बारे में। अगर आप उनसे पर्सनली मिलोगे ना हंस हंस के मर जाओगे, दिलदार बंदा जिसे कहते हैं, मैं भी मिला हुआ हूँ तो मुझे भी पता है। और कोई उनसे अलग? एक उज्जवल भाई थे, वो बाद में आए थे भले ही, उज्जवल भाई दिल्ली वाले, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन दिल्ली करंट टाइम पे। और मतलब यही थे, एक राजू मुखिया भाई थे, राजू भाई, ठीक है। ज्यादा और किसी से मेरी वैसी बॉन्डिंग? बाहर कलकत्ता साइड से कोई? कलकत्ता साइड से लोकल प्लेयर ही है, ऐसा कोई स्टार वगैरह है? स्टार वगैरह नहीं। पीकू भाई है, पीकू भी ऐसा अच्छी बात है, पीकू भाई तुम्हारी टीम में थे तो वो तो बाहुबली है भाई, बहुत तगड़ा राइटी है, नो डाउट। ये सब चीजें हो गई। और उनियाल भाई इस समय
क्या देख रहे हो आप डिफरेंस जब आप लोगों ने मतलब किसको देख के खेलना शुरू किया, कौन आइडियल थे, या मतलब जो थे कि पहले दाम भाई पप्पे भाई और का वो चलता था कि भाई इनके मैच देखने सब जाते थे, हम लोग भी जाते थे, हम मैं तो कालसी से आता था क्या स्पेशल, तो कौन था एक ऐसा खिलाड़ी चाहे इनसे अलग हो या कोई और हो? पहले तो मतलब राहुल भैया को देखने का बहुत मन था कि यार क्या है बंदा, देखना है मतलब खेलता कैसा है कि यार हमें भी, हम भी खेलते थे मतलब कोई इतना नाम कैसे बना सकता है, वही चीज थी। तो एक बार राहुल भैया को देखा मतलब वो फील्डिंग कर रहे हैं वो भी मतलब वो चाड़ू नहीं था उसकी, मैंने कहा यार बंदा यार इतना बड़ा प्लेयर हो गया बैंकर फील्डिंग कर रहा है, तो मैंने कहा डाउन टू अर्थ पर्सन। तो फिर देखा खेलते हुए भी देखा काफी अच्छा था, अब मतलब बॉल वैसा कोई कराता नहीं था, फिर अविनाश राणा भी आए थे बब्बू भाई, उनका बॉल देखने के बाद मैंने मतलब ठान लिया था कि यार जो बंदा करता है वो करना है भाई। दो बॉलर ऐसे थे लेफ्टी के, फरमान करनाल और अविनाश राणा बब्बू, इनसे तगड़े लेफ्टी के कोई बॉलर नहीं थे भाई। उसके बाद अगर कोई एक अच्छा बॉलर निकलते आया तो वो उनियाल है जो लेफ्टी को बहुत अच्छी बॉल करता है मेरे हिसाब से। एक नाम और है राव कामरान पनियाला, वो भी भाई बहुत अच्छा लेफ्टी का बॉलर है। ये कुछ बॉलर है जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और यही नहीं भाई खाली देहरादून में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पंजाब यूपी हरियाणा नॉर्थ जोन कलकत्ता जा रहे हैं तो वहां तो भाई सारे प्लेयर ही तगड़े मिलेंगे आपको खेलने के लिए छोटी बाउंड्री पे, उनके आगे बॉल करना। जब जगत सरकार को भाई लगातार 4-5 बार कंटिन्यू आउट किया है, कंटिन्यू मैचेस जब भी मिला सामने तो उनियाल ने आउट किया है, तो एक बहुत अच्छी बात होती है। और उनियाल भाई जैसे होता है कि कभी ऐसा हुआ कि लोग बताते हैं कि भाई कलकत्ता जाओ ना तो पैसे भी मरते हैं, कोई फाइनेंसर बुलाता है वो पैसे नहीं देता, या तुम अगर बुरी परफॉर्म करते हो तो मारने पीटने की भी वहाँ पे नौबत आ जाती है, ऐसा कुछ लगा या सुना या होता है वहाँ पे? ऐसा सुना है मैंने, बस ये है कि दूसरे मतलब दूसरों का तो पता नहीं, मतलब हमारे जो भैया थे वो बहुत अच्छे थे, उन्हें तो मैं भी राजदागो मैं भी पर्सनली जानता हूँ, खैर जेन्युइन बंदे हैं, पर वहाँ पे ऐसा होता है। और यहाँ पे मतलब कहीं हुआ हो ऐसा कि भाई बोल रहा हो कि मुझे तुम्हें 2,000-3,000 रुपये पर मैच फीस मिलेगी और ग्राउंड में गए हो तो दी ना हो? नहीं नहीं हमें तो मिला है, क्योंकि मतलब राजदा के मतलब उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है सबसे, वहाँ चाहे यहाँ की बात हो अच्छा चाहे वहाँ की कहीं की भी नहीं, मतलब नहीं, ये बात ऐसा कभी, कभी लाइफ में कभी ऐसा फेस नहीं हुआ। तो चलो बहुत बढ़िया है, तो आगे क्या है मतलब कब तक क्रिकेट खेलनी है? अभी तो स्टार्ट करा है, मतलब आगे लंबा जाना है, अच्छा खेलना है, बस रेगुलर क्रिकेट खेलनी है ऑल ओवर इंडिया। और हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऑल ओवर इंडिया, बिग बैश भी खेला था ना तुमने? बिग बैश बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है भाई इंडिया का, तो वो भी पहले ही साल खेलने का मौका मिल गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनियाल जब देहरादून में बॉल डालता है तो रन पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई जिनके साथ बचपन से खेले होते हैं ना वो आपस में मारते ही है भाई, बाहर जाके आप परफॉर्म करना नेक्स्ट लेवल होता है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म करते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई मतलब हमारे हमने जिनकी वीडियो बनाई आज वो इतनी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की भाई संस्कार और उनियाल डबल विकेट का एक जोड़ा है देहरादून का, एक टाइम आ चुका था देहरादून का कि देहरादून को लोग मतलब कहते ना कि क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कि भाई मुर्गे हैं, जाओ खेलो जीत के आ जाओ इनसे, ये चीज़ इन्होंने बदली, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराया। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो खिलाड़ी बेकार है, पर भाई ये दोनों भी अपने आप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे संस्कार के साथ जो बॉन्ड है इस समय क्रिकेट को लेके? सबसे मेन बात होती है कि बैट्समैन अगर आपकी टीम में है तो वो बैट्समैन नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर मैंने जैसे 3 छक्के खा लिए वो ये कहता है कि यार कोई बात नहीं बॉलर है खा लिए मैं 4 मारूंगा, तू अगला ओवर की सोच, इसमें जो हो गया खत्म कर, मतलब कॉन्फिडेंस देता है ना जब कोई बल्लेबाज आपको कॉन्फिडेंस देता है ना, क्योंकि भाई 3 छक्के भी यही खाता है, मैडिन भी यही निकालता है, 1 छक्के पे भी यही ओवर डालता है, बॉलर है भाई, काम होता है बैक करना, अगर आप किसी को बैक करोगे तो वो आपको परफॉर्म करके देगा, भरोसा जताना एक बहुत बड़ी चीज होती है। टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कहाँ तक ये आपको सपोर्टिव रहा है, कैसा चैनल है, कैसा सब कुछ लगता है, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो भाई। बहुत अच्छा चैनल है, हम तो चाहते हैं कि और आगे बढ़े, और भाई आप लोगों की वजह से ही हम खेल रहे हैं, अगर बाहर खेल रहे हैं तो आपके वजह से ही खेल रहे हैं, पहले जानते थे देहरादून में जानते थे, बाहर तो कोई भी नहीं जानता था खैर, और ये नहीं कि हम कोलकाता में भी आपका चैनल देखते थे भाई, मैच देख रहे हैं वहाँ बैठ के, दोस्तों को दिखा रहे हैं, सब लोग मतलब ये कहते थे हाँ भाई बंदा वीडियो बहुत अच्छी बनाता है, तो भाई इस चीज़ लोगों का थैंक यू सबको, मतलब मेरा काम है, मैंने भी मतलब मैं भी पहले क्रिकेट खेलता था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा डीसीए में जो टूर्नामेंट था वहाँ पे मैंने पहली बार जब तुम्हें फेस किया था तुमने मुझे आउट कर दिया था, तुम्हें भी याद है? अच्छा हमको सिखा रहा है तो भाई उसके बाद उस समय के बाद मैंने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी थी, मेरे हाथ में भी रिस्ट घूम गई थी तो मेरे से खेला नहीं जाता अब, तो मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ा, तुम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू करा, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मतलब
तुम लोग खेल रहे हो और उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं भी हूँ कि भाई बिल्कुल हो भाई बिल्कुल, मेरा भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तुम लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, चैनलों को भाई हर वीडियो शेयर करते हो आप लोग, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो भाई ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे उनियाल भाई, और उनियाल भाई की आईडी भी आपको नजर आ रही होगी नीचे, तो इन्हें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रील बनती रहती है भाई सबके साथ। और भाई प्यार बनाए रखे ऐसे ही हमेशा, और स्मार्टी भाई के लिए लड़की ढूंढे, गर्लफ्रेंड बनाए इनकी, इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हुआ है, और भाई मेरे लिए मिल जाए ना भाई, तो मेरे लिए भी ढूंढ लेना, मैं तो शादी करने के मूड में हूं। गाड़ी स्टार्ट कर, तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लव यू भाई, थैंक यू।